हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम ट्वीट्स क्योर बनाना। आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा इस तरह के रील्स और क्योर्स खूब वायरल हो रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। आप भी इस तरह क्योर्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फेक ट्वीट। तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट ट्वीट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम डालना है, आपके अकाउंट का जो भी नेम है यहाँ पे आपको वो नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, आपके अकाउंट का जो भी यूज़र नेम है आपको वही यूज़र नेम डालना है, ताकि जो भी आपकी पोस्ट को देखे उसे सर्च करने में आसानी हो और वो आप तक पहुँच जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे डीपी लगानी है, प्रोफाइल लगानी है। आपने अकाउंट पे आपने जो भी डीपी लगा रखी है आपको वही डीपी लगानी है। तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी क्योर्स या शायरी लिखना चाहते हैं तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप जो भी शायरी या क्योर्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कॉपी करके। इसके बाद डन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा काम रेडी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो आपके सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा काम हो गया है, हमें बैक आ जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पिकआर्ट्स एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पिकआर्ट्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और एडिट फोटो पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह सेम पोस्ट बनानी है तो आपको ये बैकग्राउंड चूज़ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो क्योर्स बनाया था उसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करना है। तो आपको ये ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और उस फोटो को इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसे क्रॉप करना है। तो आपको ये क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। इसके बाद राइट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एडजस्ट करके इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ये इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इसे यहाँ से इरेज कर देना है। ये जो दिखाई दे रहा है इसे इरेज कर देना और राइट कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यहाँ से राइट कर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्योर्स बन के रेडी हो गया है, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इंस्टाग्राम क्योर्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।